सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ हम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है जब कोई प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा की छाल के बारे में उससे हम आपको बताएंगे कि ये जो आपका मोटापा छा जाता है ये कैसे कम होता है और एक गारंटीड इलाज है कि अगर आपके बाल छोटे हैं या उनका वॉल्यूम कम है तो दरख्त की छाल की मदद से आपके बाल कितने लंबे हो सकते हैं कितने चमकदार हो सकते हैं और कितने मजबूत हो सकते हैं। इस ट्रीटमेंट का टोटल अर्सा है 3 महीने। आज ही हम आपको बताने जा रहे हैं अपने इसी शो में। बहुत सारी तालियां उमर राहिल के लिए, बहुत सारी तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन फरा के लिए, बहुत सारी तालियां। सुबह सुबह का वक्त तालियां बजाएं, गो 1 2 3 एंड गो, देयर यू गो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। और अगेन दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी लेडीज एंड मैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर खुर्रम मुशी। शर्मिंदा तो नहीं हूँ मैं? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर वो यहाँ होते तो सब मुझे देख के कहते मर भी तो सकते थे। हाँ साहब को गाना बहुत बड़ी बात है और ये तो मेरे लिए सादत की बात है कि मैं सिर्फ उनका ये गीत गुनगुना रहा हूँ, तो दैट्स जस्ट एन अमेजिंग फीलिंग कि आप इतने बड़े बड़े उस्तादों के गीत को इस डिटाई से गा लेते हैं और उसके बाद कोई पकड़ता भी नहीं आपको। नहीं, आज हम क्या करने वाले हैं बताइए।
सबसे पहले औरतों के बहुत सारे बीमारियाँ होती हैं, पोशीदा अमराज जिसे हम कहते हैं, उसका इलाज है, बहुत आसान इलाज है। और सेकंड इनफर्टिलिटी, बांझपन। ओह वाओ, ओके। और तीसरा, अगर टाइम बचता है तो जो बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है किसी भी वजह से, उसके लिए। मार की वजह से अगर स्वेलिंग हो जाए तो वो भी सही हो जाएगी। ओके, हाँ, नहीं, सीरियसली, मार की वजह से, हाँ, किसी भी वजह से स्वेलिंग, बहुत सारी वजह होती है। क्या हो गया आपको, इतनी उदास क्यों हैं आप? मेरे गाने की वजह से, मेरी आवाज की वजह से? अगर मेरे गाने की वजह से उदास हैं तो उदास मत हो, सबसे बेहतर मेहदी हसन खान साहब ने गाया, वो जाके सुन लीजिएगा। और मेरी आवाज की वजह से उदास हैं तो अल्लाह मियां ने दी है, जैसी है बस वैसी है, तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, क्या करने वाले हैं? गर्मी आ रही है, लूज मोशन हो जाते हैं, बच्चों के पेट की तकलीफ हो जाती है। एक्चुअली मैं आपको गाने में इतना खो गई थी कि मैं भूल गई थी मुझे बताना किस कदर ज्ञान की बातें हैं कि हम बुखार की बातें कर रहे हैं और डायरिया की बात कर रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग शो में। ये ज्ञान की बातें हैं, ये कम कम मुल्कों में ऐसा होता है कि हम लोग अपने मॉर्निंग शो के अंदर ज्ञानी बातें कर रहे हैं। मतलब आज आपको अगर डायरिया हो जाए तो वो कैसे होता है, उसको दूर कैसे किया जाता है, कितने किस्म का डायरिया होता है, तो डॉक्टर के पास जाते जब टाइम हो जाता है तो ऐसी रेमेडी होनी चाहिए, ऐसी घर में दवाई होनी चाहिए कि आप फौरी तौर पे आपको आराम आया। अच्छा, वैसे ये डिपेंड करता है डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर कैसा है। मेरी अपेंडिक्स की जो डॉक्टर थी वो खातून थी, तो जब उन्होंने हाथ लगाया मेरी तकलीफ फौरन खत्म, सारी सारी दर्द सही हो गया। वो तो ऐसी हीलिंग थी कि कोई हद नहीं, उन्होंने यहाँ हाथ रखा, हाँ। फिर आपकी जो रेमेडी बनाने वाली भी आप अच्छी सी आप उनको ले आए कि वो अच्छी रेमेडी बनाएगी, अच्छी दवाई बनाएगी, तो आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, दवाई पीने से पहले ही तकलीफ सही हो जाएगी। आज अर्जुन की छाल और रेशे बरगद के बारे में बात करेंगे। और रेशे बरगद, बरगद की जो दाढ़ी है वो रेशे बरगद कहलाती है। और बड़े बूढ़ों का एक कौल है कि रेशे बरगद जो होता है, बरगद की दाढ़ी जब उसमें से निकलती है तो वो जमीन में पेवस्त हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है, 80 से 100 फीट तक। आज मतलब खवातीन की भी दाढ़ी निकला इतनी नहीं, उनके बाल इतने लंबे, क्योंकि जो बताएंगे वो उनके बाल इतने लंबे और घने कहते हैं बरगद के दरख्त में जिन भी होते आप लोग गलत सोचते हैं, जिन खवातीन पे नहीं आते हैं, खवातीन जिनों पे आते हैं। और जो खवातीन जिन पे आ जाए जिनका बाप भी उसे नहीं छुड़ा सकता। ये आबादी इतनी बढ़ गई, बेचारे कहाँ रहे, तो दरख्तों पे बसेरा अगर कर लेते हैं तो वहाँ भी औरतें गुजरती हैं तो डर के भाग जाते हैं। खवातीन को मना किया जाता है दरख्त के नीचे ना जाओ, जिन पे आप आ जाओ। हालांकि जिनों को मना करना चाहिए कि बेटा नहीं, काम गलत है। अच्छा, अजीब अजीब काम बताइए ना। फिर मैं जिन्नात के अक्सर मैंने शोज किए तो उसके अंदर ना सबकी एक ही ख्वाहिश थी, वो कहता मुझे ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। वो कहता मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, घर वाले सोचते ना ले जाऊंगा, लेके जाता हूँ। और मैं तो खास तौर से सोचता होगा कमबख्त कब लेके जाएगा, कहते ही है, कहता ही रहता है। थोड़ा आप जब थ्रेडिंग कराती है वैक्सिंग निशान बन जाते हैं। हकीम साहब कैसे थे? बहुत अच्छे। हकीम साहब ने जिंदगी में कभी फ्लर्ट किया? कभी किसी को आपके अलावा देखा ही नहीं? फोड़ दिया आपने आंखें उनकी? कभी देखा ही नहीं, मेरी ख्वाहिश होती थी। बहुत अच्छे इंसान। ये तो हम तो मतलब मैं भी बंदर तो नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मैंने कब कहा कि वो अच्छे नहीं थे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कभी आपने उनको कोई चोरी करते हुए देखा? कभी हकीम साहब ने नब्ज की जगह जरा सा हाथ पकड़ लिया हो, मुस्कुराए हो किसी को देख के, आपको बताया हो कि भाई वो अच्छे? क्लिनिक में कुछ हुआ तो मुझे नहीं ना। घर की हद तक कभी किसी खातून ने आके हकीम साहब के बारे में कभी किसी खातून ने आके हकीम साहब के बारे में कहा भाई पता नहीं आज बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हकीम साहब से, कभी ऐसा हुआ? रानी वजह कह रही है क्लिनिक की हद तक मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन ऐसे कभी कभी ये ख्वाहिश जाहिर की कि आप इतनी हसीन हैं, आप जैसी एक और मैं ले आऊं तो कैसा होगा? नहीं, ऐसा भी कभी नहीं कहा। ऐसा कभी नहीं कहा? दिल की बात नहीं। दिल की बात नहीं बताते थे? कभी लड़ाई होती थी आप लोगों की? हाँ हाँ, हो जाती थी अक्सर, ऐसा नहीं। वो कितनी मर्तबा जीते? कभी नहीं, नहीं अब... बस वो आर्ग्यू पसंद नहीं करते थे, वो कहते अगर मैंने कुछ कहा है तो वो ठीक कहा, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जहाँ इख्तलाफ होगा तो जाहिर है लड़ाई झगड़ा तो जन्म लेगा। तो आप चुप हो जाया करती थी? हाँ, हो जाती थी। इसलिए कि फिर बच्चे निगलेक्ट होते हैं ऐसे में, अगर माँ बाप की लड़ाई हो तो बच्चों का जहन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए
माशाल्लाह। और माँ बाप की लड़ाई में ये ना ये बड़ी बात है, आपने बड़ा अकलमंदी का सबूत दिया, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, वरना शोहर देखिए मर्द कोई भी होता है वो उसको अपने गुस्से पे काबू नहीं होता, और औरत को ही ये मलका हासिल है कि वो अगर उसको घर आगे चलाना है, अपने घर को बनाए रखना है, तो उसको कुर्बानी देनी होती है, और देती है तो फिर घर अच्छा। ओके ओके, चलिए चलिए, तो खैर बहुत सही बातें हैं, और मेरे ख्याल में मर्दों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए और उससे उसे को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, एक दूसरे से समझ के साथ चलना चाहिए। मैं हंस इस बात पर रही हूँ कि मैं जब शादी हुई थी तो ससुराल मेरी पिंडी में थी, तो मैं भी अक्सर ट्रेन से आती। अच्छा, वो चूमते होंगे। मैं कि शायद वो भी ट्रेन को मेरे आने की खुशी में इसी तरह। अब आपको ये कैसे पता चला कि लतीफा भी उन्हीं का इजाद कर दो? हो नहीं सकता। हकीम साहब पिंडी स्टेशन से बाहर निकले, लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहना बस रानी आप आ भी गई हैं। अच्छा एनीवेज, तो आज एक बार फिर से रिकैप कर लें कि आज के शो में हम आपको देने क्या जा रहे हैं। आज का शो है किस चीज़ के बारे में, हम बात कर रहे हैं बरगद की छाल की, दरख्त की छाल की, कि उससे क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। वंस अगेन, आप क्या करने वाली हैं? इनफर्टिलिटी, बांझपन, ठीक है, बॉडी सॉयलिंग, उसके अलावा औरतों की जो खास बीमारियाँ होती हैं। ओके, ऑलराइट जी, आप डायरिया का इलाज करेंगे और इसके साथ साथ वेट लूज की एक हम यखनी भी बनाएंगे। वेट लॉस की यखनी? ओके जी, वेट लॉस की यखनी है, दैट मींस आपका वेट भी कम हो सकता है, हम यखनी बनाएंगे दरख्त की छाल की मदद से। डॉक्टर साहब जी सर, बड़ा अच्छा करेंगे कि आपके लिप्स एक सूखे रहते हैं, बड़े गुलाबी, बड़े खूबसूरत, और ये हिसाब थ्रेडिंग कराती हैं वैक्सिंग, तो ये काला नहीं रहेगा, बिल्कुल साफ। ऑलराइट जी, हम बड़की छाल के जरिए, इसको बड़का दरख्त भी कहते हैं और बरगद का दरख्त भी कहते हैं, इसकी जो दाढ़ी है उससे हम बालों का एक तेल बनाएंगे, जिससे जहाँ तक चाहेंगी आपके बाल पैरों तक। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे हम अपनी रेमेडी टेबल पर चलेंगे और आपका इंतजार करेंगे कि आप हमें आएं और हमें कॉल करें। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। आइए जी, हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। जी हाँ, अब हम बनाने जा रहे हैं रेशे बरगद से। गुड़िया ये उठाइएगा, ये बरगद की दाढ़ी है जिसको रेशे बरगद कहते हैं, और इसकी दाढ़ी, इसका दरख्त का हर हिस्सा बहुत ही कारामद है, इसकी छाल भी, इसके पत्ते भी, लेकिन ये दाढ़ी इसलिए ख़ास तौर से मशहूर है कि जब इसकी दाढ़ी आती है तो इतनी लंबी हो जाती है, ये दरख्त 80 से 100 फुट तक लंबा होता है और 10 फुट कम अज़ कम इसका तना चौड़ा होता है, और जब ये दाढ़ी निकलती है, यानी इसमें से जब दाढ़ी निकलती है तो ज़मीन के अंदर भी अपनी जड़ें बना लेती है। अरे वाह, तो इसलिए ख़वातीन के लिए, बड़े बूढ़े ख़ास तौर से बालों के लिए इसको इस्तेमाल करते आए हैं, और करने का मशवरा भी इसलिए देते हैं कि जो ख़वातीन अपने बाल बढ़ाने चाहती हैं, यानी इतनी मज़बूत जड़ें हो जाती हैं कि जहाँ तक आप चाहें इससे बाल आपके लंबे होंगे और कुदरती तौर पर काले हो जाते हैं इसके मुसलसल इस्तेमाल से। इसके लिए हमने एक गिलास पानी लिया और इसमें तकरीबन 50 ग्राम हम ये बरगद की रेश यानी दाढ़ी जो है वो डालेंगे। तोड़ूं मैं? जी। और इस पानी को जब हम इतना पका लेंगे कि ये आधा रह जाए तो हम इसमें तिलों का तेल डाल देंगे, इसको हल्का सा जस्ट करेंगे, हल्का सा पुश करने के बाद हम इस पानी को छानकर किसी बॉटल में महफूज कर लेंगे, और हफ्ते में कम से कम 2 बार ये तेल हल्का सा गर्म कर कर लगाएंगे जड़ों से लंबाई तक, तो जहां तक आप चाहेंगी बाल आपके लंबे हो जाएंगे। अच्छा, देख लीजिए, हमने पानी लिया है 50 ग्राम, इसके अंदर ये बरगद की छाल ली है और इस छाल को हमने इसमें सोक कर दिया है, थोड़ा सा ज़रा ये बॉयल हो जाए, तो बॉयल होने के बाद इसके अंदर हम जो चीज़ें आपा ने बताई हैं उसका हम एडिशन कर देंगे। इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसको लगाने से आपके बाल जहाँ तक आप चाहेंगी उतने लंबे हो सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि बाल जितने लंबे होते हैं उसकी केयर उतनी ही मुश्किल होती है, लेकिन उतने ही ज़्यादा वो हसीन लगा करते हैं, इतने हसीन, और ये कुदरती तौर पर जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। यानी इसकी जो मिसाल ये है कि जब ये एक दरख्त से फूट रहे तो ज़मीन भी इसकी जो दाढ़ी है उसको पकड़ रही है, ज़मीन के अंदर तक पेवस्त हो जाती है, इसलिए इस जड़ को बालों की मजबूती के लिए काला, घना और लंबा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब तक हमारा ये पानी बॉयल हो जाता है और उस दौरान हम अर्जुन की छाल की बात करते हैं। अर्जुन भी एक ऐसा दरख्त है कि दुनिया की तमाम बीमारियों में इस्तेमाल होता है,
और ख़ास तौर से जो इसकी छाल है इसमें ग्लूकोसाइड होता है। ग्लूकोसाइड एक ऐसी दवा है कि जो दिल की बंद छरियाने खोलने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और दिल के अटैक को दिल के अटैक से बचने के लिए अगर इस दवा का इस्तेमाल किया जाए, खुदा न खास्ता किसी को एंजाइना का पेन महसूस होता है, अगर वो इसका इस्तेमाल शुरू कर दे तो अल्लाह के फजल से ना सिर्फ ये कि इस दर्द से, इस दौरे से बच सकते हैं बल्कि आने वाली तमाम प्रॉब्लम से भी आपका बचाव हो सकता है। क्योंकि दोबारा बताइएगा ये क्या करना पड़ता है इसको? ये अर्जुन की छाल है जो कि हमने पीस कर दो टेबल, अर्जुन का दरख्त है ये, उसकी दाढ़ी है जी हाँ, उसकी छाल, छाल नहीं मतलब ये तने पे जो लगा होता है जी, ये जैसे अखरोट की छाल दंदासे के लिए इस्तेमाल होती है, इसको हमने पीस कर दो चमचे आपके लिए बारीक बना लिया और इसके अंदर हम डालेंगे चार चांदी के वर्क। okay, ये हम दिल की तकालीफ के लिए एक दवा बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर हम मिलाएंगे 25 ग्राम मिश्री। ओके, इसको हम पीस कर एक पाउडर बनाएंगे और इस पाउडर को हम शहद में मिलाकर रख लेंगे और सुबह शाम एक टीस्पून इसको दूध के साथ लेना है। और किस तरह के आधा दूध आधा पानी, एक गिलास आप सुबह लेंगे एक गिलास शाम। अच्छा आप ये ले लिया मैंने, बिल्कुल। अब इसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, हम इसको इसमें डालेंगे। वाह वाह जबरदस्त। इसके बाद हमने अर्जुन की छाल इसके अंदर डाल दी और 25 ग्राम हमने इसमें डाली मिश्री। अच्छा मिश्री का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि मिश्री में मीठा बहुत ज़्यादा कम होता है और मिश्री चूंकि ठंडी होती है तो दिल के और दिमाग के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। खांसी हो गई, ठीक है, ठीक 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 डाल दीजिए। ओके जी, अब इसको हम पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे और इसको शहद में मिलाकर अपने पास महफूज कर लेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो रेसिपी है वो हमारे साइट पे चल रही है, उसको फॉलो कर ले और अगर आपको रेसिपी नहीं मिलती तो अपनी तरफ से कुछ मत करें, हमें कॉल कर लें या हमारे फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। अच्छा हमने एक आप अगर इजाज़त दें तो हम दो चीज़ें साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, आपको बनाने का तरीका सिखा रहे हैं कि आपके बाल घने किस तरह से हो सकते हैं, लंबे किस तरह से हो सकते हैं। उसका तरीका अगर सबसे पहले हमने ये किया कि बरगद के दरख्त का जो दाढ़ी है, जो रेश है उसका, वो हमने ले लिया है, उसको पानी के अंदर सोक कर दिया। अभी तक सिर्फ इतना ही समझे कि पानी के अंदर हमने उसको सोक कर दिया और पानी को उबलने के लिए रख दिया है। उसके साथ साथ अब हम दूसरी तरफ आते हैं जहाँ हमने अर्जुन के दरख्त की छाल ली है, अर्जुन का दरख्त होता है उसकी छाल ली है, उसको दो टेबल स्पून पीस लिया है, उसके अंदर हमने 25 ग्राम मिश्री डाल दी है और 25 ग्राम हमने उसके अंदर अर्जुन की छाल के अंदर मिश्री डाली, 25 ग्राम मिश्री डाली है और चार चांदी के वर्क डाल दिए और इसके बाद उनको पीस लिया है जी। पीसने के बाद हम इसमें शहद मिलाकर महफूज कर लेंगे अपने पास और ये दिल की बंचरियाने खोलने के लिए जिनका खून गाढ़ा हो गया है उनके लिए जी, इसमें ग्लूकोसाइड होता है जो दिल वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कुछ इस तरह का पाउडर बन जाएगा, इसमें बड़ी तीन चीजें पड़ी हुई है टोटल, अर्जुन की छाल पड़ी है तीन, दो टेबल स्पून आपने अर्जुन की छाल को पीसा है, उसके बाद चार चांदी के वर्क जो है वो लिए हैं और 25 ग्राम मिश्री लिए और इसमें हम इतना शहद डालेंगे जिससे कि ये एक पेस्ट की तरह बन जाए। और इसको हम बता दें कि अगर खुदा ना खास्ता शुगर पेशेंट हैं तो बेरी का शहद लें। अच्छा। बेरी का शहद शुगर पेशेंट को नुकसान नहीं देता और खालिस शहद चूँकि कुछ लोग डरते हैं कि हमें शुगर में तकलीफ ना दे, इसलिए ख़ास तौर से उन लोगों के लिए हिदायत है कि वो लोग जिनको शुगर है वो बेरी का शहद। एक सवाल ये है, बेरी का शहद या कोई और भी शहद खालिस होगा ये कैसे पता चलता है, इसकी पहचान कैसे? देख आजकल तो इतनी फार्मिंग हो रही है शहद की और जैसे कि आप बताते हैं कि लेगनीस का भी बहुत अच्छा है, वो आप कहकर ले सकते हैं तो वो इस्तेमाल करके किया जा सकता है। बिल्कुल हम कर सकते हैं वो शहद। ओके, और इस तरह से ये दवा बनेगी। अच्छा ये कुछ मुझे खमीरा टाइप लग रहा है। जी खमीरा ही है। अच्छा खमीरा ही है। ओके खमीरा ही है। हकीम अब्दुल्ला का ये एक बहुत ही बासर और बहुत ही शानदार किस्म का नुस्खा है। जो भी कुछ हम आपको बताते हैं बहुत तहकीक और रिसर्च के बाद बताते हैं और अल्लाह के फजल से उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल में और डालना पड़ेगा, हम शहद थोड़ा सा शहद डालना पड़ेगा और थैंक यू, थोड़ा सा आपने शहद डाला ताकि ये पेस्ट की सूरत इख्तियार कर जाए और इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। और खाना कैसे बताइए? इसमें एक गिलास हम लेंगे आधा गिलास पानी
और आधा ग्लास दूध, यानी डायरेक्ट दूध के साथ नहीं लेंगे और डायरेक्ट पानी के साथ नहीं लेंगे, आधा दूध आधा पानी का एक ग्लास लेंगे और एक टिकिया। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए आपने अगर खमीरे इस्तेमाल किए हो, दो चार खमीरों के नाम बता दूँ, खमीरा रेशम, खमीरा गाव जबान, खमीरा मरवरीद, ये सारे खमीरे होते हैं, अगर आपने इस्तेमाल किया तो ये खमीरे की तरह से ही है और आधा टेबल स्पून एक टी स्पून आपने ले लिया और टीस्पून को आपने आधे कप दूध या आधे कप पानी के साथ, नहीं आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी जी, ना खाली पानी से लेना है ना खाली दूध से लेना है और खाली दूध भी नहीं लेना है, आधा दूध आधा पानी लेना है और इसको एक चमचा सुबह एक चमचा शाम को आपने लेना है और अल्लाह के फजल से इससे बहुत फायदा होगा। तो ये हमने आपको बताया कि दिल की जो बंद शरियाने हैं वो खुलती कैसे है, लेकिन इससे पहले कि हम अपने बालों की तरफ जाएं, ये मैं आपको बता दूं कि ये तो आप इस्तेमाल करते रहें साथ साथ आप अपने डॉक्टर को नहीं छोड़ेंगे, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, एट नो कॉस्ट आप अपने डॉक्टर को खुदा हाफिज़ नहीं कहेंगे, आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए लेकिन ये साइड में इस्तेमाल कीजिए, मेक श्योर कि आपके आपके पास आपके जो एंजाइना पेन की मेडिसिन है दैट इज़ कॉल्ड एंजेसिड वो हमेशा रहे आपके पास, ये आपके पास हर जगह नहीं होगा, आपके पास एंजेसिड रहनी चाहिए, खुदा ना करे आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी जगह ऐसा हो जाता है जो जल्दी से आप वो गोली अपनी जबान के नीचे रख सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और हमेशा कंसल्ट करते रहें। अब हम आते हैं आपके बालों की तरफ। जी बिल्कुल, ये हमने पानी पकने के लिए रखा था और ये तकरीबन अब खुश्क होने पर है, जब ये थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें तिल का तेल डाल देंगे, 50 ग्राम हमने ये हमने छाल ली थी बरगद की रेश यानी बरगद की दाढ़ी ली थी और उसमें तिल का तेल भी हम तकरीबन 50 अच्छा, ग्राम। ये बताइए ये कितना अरसे लगाएंगे तो आपके बाल लंबे हो जाएंगे? ये मेरे ख्याल है एक वीक के अंदर ही रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, गिरना बंद हो जाएंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, कुदरती तौर पर काले होंगे क्योंकि ये बालों को मजबूत काला जी कुदरती काले, और ये चूंकि इसकी मिसाल एक बहुत, क्या ये मेरा सवाल है क्या ये शैम्पू की तरह हो जाएगा? नहीं नहीं शैम्पू नहीं है, ये एक तेल है, समझ लें कि एक टॉनिक है, एक हेयर टॉनिक है, वॉश करने के लिए नहीं है, ये लगाने के लिए कि जैसे आप एक चीज अपने बालों के अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं उसके लिए, और ये यानी ये टॉपिकल इस्तेमाल के लिए है ये, और इससे वॉश नहीं होंगे आपके बाल, आप इसको कम से कम एक रात जरूर लगा के रखें जी, और ये आप दिन में मतलब हफ्ते में कितनी बार लगाएंगे? हफ्ते में कम से कम दो बार जरूर लगाएं और एक रात लगा कर रखें, वो मर्द हज़रात जिनकी दाढ़ी मूछें कहीं से बाल उड़ने लगे हैं या जी जैसे एलोपेशिया का मर्ज है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो इससे फौरी तौर पर काबू में आ जाएगा, वो खवातीन जिनकी आईब्रोज बहुत हल्की हो रही हैं या बाल झड़ने शुरू हो गए अपनी आईब्रोज पर भी लगाएं, मर्द हज़रात दाढ़ी मूछों पर लगाएं और खवातीन अपने सर के बालों पर लगाएं और ख़ास तौर से अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल ज़रूर कराएं ताकि उनके बालों का मसला घर बैठे हल हो जाए। अब क्या करना है? बस अब हम इसमें तिल का तेल डालेंगे जी हाँ, ये आधा पानी हमारा रह गया, इसको हमें तिल का तेल डालना है और तिल का तेल डालने के बाद हम इस पानी को खुश्क नहीं करेंगे। Okay. जी हम इस पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, पानी समेत हम इसको अपने किसी पैन में या किसी बॉटल में अच्छा, रखेंगे। एक बात जरूर और है जो मुझे नहीं पता आपको कैसी खुशबू पसंद है लेकिन मुझे बहुत उसकी खुशबू अच्छी लग रही है। Very nice, very nice. और इसको हम ज्यादा खुश्क नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको इस जड़ को इस जो दाढ़ी है इस छाल को हमें निकालना नहीं है, इसके रेश को इसके अंदर ही रहने देना है क्योंकि ये एक तो पानी इसके अंदर है और थोड़ा तेल है तो ये अपना एक्सट्रैक्ट इसके अंदर छोड़ती रहेगी और जब इसमें तेल बिल्कुल खत्म हो जाए तो आप इसमें मजीद तेल को और ऐड कर दीजिए अच्छा, और तिलों का तेल कुछ नहीं करना इसी तरह रखेंगे बड़े से जार में भर के इसको रखते हैं ताकि ये रहेगा तो इसका एक्सट्रैक्ट निकलता रहेगा और आपके बालों को फायदा ही देता रहेगा बिल्कुल। जी एक छोटा सा ब्रेक है जी, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, जब ब्रेक आते हैं तो उमर राहिल के साथ हम बात करेंगे और साथ साथ डॉक्टर खुर्रम के वो जो पिंक लिप्स हैं मतलब डॉक्टर खुर्रम जो बताएंगे कि आपके जो लिप्स हैं वो ज़ाहिर असरअंदाज हो जाते हैं मुतासर हो जाते हैं तो उनकी रंगत को बहाल कैसे किया जाए, चेहरे पे कैसे ग्लो लेके आया जाए, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी शो के अंदर, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। और जी अच्छा सबसे पहले कुछ खवातीन की कुछ खास बीमारियाँ होती हैं बच्चियों की, तो जिसमें लिकोरिया एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है, फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, यूट्रस की सॉइलिंग होती है, उन सब के लिए इलाज के साथ साथ यह अशोका की जो है छाल, ठीक है अशोका कहते हैं इसको। अच्छा इसको करना क्या है, आपने इसका पाउडर बना लिया है,
और 1/4 टीस्पून, ये बड़ी सिंपल रेमेडी है। अच्छा, ये लिकोरिया के लिए है? जी हाँ, लिकोरिया के लिए, सॉयलिंग के लिए। अच्छा, ये 1/4 टीस्पून लेनी है, दिन में 3 बार खाना है, ठीक है, सादे पानी के साथ। और इसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन लेंगे, फिर 1 हफ्ते का गैप करेंगे, फिर मज़ीद ज़रूरत है तो मज़ीद इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है, इसको आप करते हैं तो फौरी तौर पे आराम आ जाए। 1/4 टीस्पून आपने खा लिया? 1/4 टीस्पून दिन में 3 बार, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। वाओ, बहुत। सॉइलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की, किसी भी वजह से हो जाती है, बीमारी की वजह से भी, चोट की वजह से भी। पीपल की जो है छाल ले ली हमने और इसका पाउडर बना लिया, घर में होना चाहिए। कहीं चोट लगती है, कहीं पे सॉइलिंग फील होती है, किसी भी वजह से आपने इसका पेस्ट बना के वहाँ पे लगा दी है, दैट्स इट, आधे घंटे के लिए फौरन आराम आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो घर में होनी चाहिए और बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम चल रहा होता है जिसके बहुत सारे इलाज भी चल रहे हैं, इनफर्टिलिटी, बांझपन। जो भी इलाज चल रहा है उसको करते रहिए। उसके साथ साथ ये बड़ा आजमूदा, आपको भी अंदाज़ा होगा, बहुत पुराना नुस्खा है बरगद की, रेशे बरगद जो है उसी का हमने पाउडर बनाया है, जिसे इन्होंने ऑयल बनाया है, उसी का पाउडर बनाया है। जितना आपके पास पाउडर है, तकरीबन मिसाल के तौर पे आपके पास 2 टेबलस्पून आपने पाउडर लिया, 2 टेबलस्पून आपने शुगर मिलाएंगे, इसको मिला के आपने रख लिया है। अच्छा, इसको जो है आपने, जो आपका डेज स्टार्ट होते हैं उसके बाद जो है आपने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने सुबह नहार मुँह 1 टीस्पून लेना है दूध के साथ। ये तकरीबन 30 दिन खाना है, फिर 1 हफ्ते का गैप करेंगे, फिर खाना है, 3 महीने तक करना है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक कर देता है, बांझपन के मसले को हल कर देता है। अच्छा, हमने इस वक्त बहुत जल्दी जल्दी 3 चीज़ों की बात की है, जिसमें से एक जो मसला था वो लिकोरिया का मसला था, बच्चियों को, यंग बच्चियों को प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें लिकोरिया के अंदर आपने अशोका की छाल ली है। अशोका की छाल को 3 मरतबा 1/4 टेबल स्पून आपने दिन में 3 टाइम खा लेना, टीस्पून, 1/4 टीस्पून आपने दिन में 3 मरतबा खा लेना, और आपकी 15 दिन तक ये इलाज जारी रहेगा, 15 दिन में इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा, इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। दूसरा जो आपने बताया था सॉइलिंग के लिए, स्वेलिंग के लिए, सूजन के लिए, नीम के दरख्त की छाल ली आपने, पीपल की छाल आपने घर में पाउडर बना के रख लिया है। किसी को भी सॉइलिंग है, किसी भी एज में, मेल, फीमेल, बच्चे, किसी भी वजह से आपने इसका पेस्ट बनाया पानी के साथ और सॉइलिंग की जगह पे लेप कर दिया और आधे घंटे के बाद इसको साफ कर देंगे, सॉइलिंग जो है बहुत तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाती है। और जी, और इसके बाद इनफर्टिलिटी की बात थी कि बांझपन जो होता है उसको किस तरह से दूर किया जाए। आपने ये बरगद के दरख्त का आपने ये पाउडर बना लिया, पाउडर बनाने के बाद फर्ज कीजिए 2 टेबलस्पून आपने ये लिया, 2 ही टेबलस्पून आपने चीनी डाली, हम वजन लेना और उसको मिक्स करके यहाँ पर रख लिया। उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ को अब आप बता दीजिए, सुबह नहार मुँह खाना है, ठीक है, सुबह नहार मुँह खा के 1 गिलास दूध पीना है, लाजमी है ये कि दूध के साथ ही इसको खाना है। आपने जो आपका साइकिल ख़त्म होता है उसके बाद स्टार्ट करेंगे, आपने कर लिया, फिर 1 वीक का गैप किया, फिर आपने इस्तेमाल किया, 3 मंथ्स ये कंप्लीट एक इलाज होता है बांझपन का। अगर खुदा ना खास्ता बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है तो 3 मंथ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बहुत अच्छा और बहुत आसान सा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रानी आपा, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये बन गई है? बिल्कुल तैयार है और ठंडा होके ये काबिल इस्तेमाल है। अभी काबिल इस्तेमाल है, किसी को कोई लगाना चाहता है, आप लगाना चाहती हैं, आप कौन कौन लगाना चाहता है, आप आप उनके बाल खुले हुए ना, आ जाइए आप, दोनों आ जाए, बल्कि दोनों आ जाए, दोनों आ जाइए, किसका फोन है आपका? जी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, लेट्स डेमोंस्ट्रेट, सिट 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 सिट, लगा दें, जी जी जी, सिट, निकल गया, जी सिट, निकाल दें। अच्छा, आपका नाम क्या है? सिब्रा। हिना। और जी सिब्रा हिना है, इनके जरा बाल देख लीजिए, डॉक्टर साहब आप जरा मेरी मदद यहाँ करेंगे? बिल्कुल आ गया। ओ, इनके तो बालों का प्रॉब्लम जो है वो मेरे ख्याल में थिकनेस है, वॉल्यूम है, बिल्कुल, और यहाँ से भी थोड़ा सा रिसीव कर रही है। हाँ जी, ये इनकी थिनिंग हो रही है। अच्छा, थिनिंग इनके भी हो रही है और आपके भी थिनिंग है? बहुत थिनिंग है, बहुत थिनिंग है, बेतहाशा बेतहाशा थिनिंग है। इस जो हम तेल का टेक्सचर दिखा रहे हैं कि ऊपर तेल है और नीचे पानी है, तो ये चीजें अगर हम लगाएंगे तो आप लोग इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, ये इनके स्कैल्प पर जज्ब होगा। शहजादी आप ये पकड़िएगा, ये पकड़ लीजिए, जी आपने तेल लगाना शुरू कर दिया। जी ओके। और देखिए, जब हमारा स्कैल्प मजबूत होता है, हमारी जड़ मजबूत है, तब हमारे बालों की नशोनुमा बेहतरी के साथ होगी, ठीक है। और इसका मकसद है, जड़ों के अंदर जाने का मकसद, ये कुदरती तौर पर बालों को काला करेगी, यानी जब आपके ये क्यूटिकल्स खुलेंगे, हाँ, तो फिर इसके अंदर आपका तेल पेनिट्रेट होगा और अल्लाह के फजल से आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा।
इनके सर में यहाँ बाल बहुत कम है, इस जगह पे हमारा ये तेल हल्का सा गर्म भी है और आप भी इस्तेमाल से पहले बिल्कुल आ जाएंगे, डेफिनेट आ जाएंगे और ये विद इन वीक रिजल्ट मिलना शुरू होता है क्योंकि हर्ब्स के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत खूबियाँ रखी। अच्छा, अब आपने बताइए, आप दोनों को समझ आ गया कैसे बनाना है? बरगद के दरख्त की छाल लेनी है, पानी में उसको उबालना है, उसके उसके बाद क्या करना है? उसके अंदर फिर पानी उबालने के बाद तिल का तेल डालना। तिल का तेल डालना है, बस दैट्स इट, हो गया बस। अब उसके बाद लगाना शुरू करना, फिर पानी कितना रह जाए, उसके बाद लगाना है, पानी जब आधा रह जाए तब। वेरी गुड, तालियां के लिए। और ये बरगद का दरख्त, बरगद का दरख्त ढूंढना कुछ मुश्किल नहीं होता, हर मस्जिद हर मंदिर के बाहर होता है और ये इसलिए होता है कि यहाँ पर लोग इसकी छांव में सस्ता सकें और अपनी थकन उतार सकें। यार क्या वैसे बहुत बहुत पुराना ना, बचपन में मुझे अशार वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने एक शेर पढ़ा था कि इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। कंजर्वेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा। सर मैं हैरान रह जाता हूँ, लोगों को पार्किंग के लिए दरख्त साये चाहिए, उगाएंगे नहीं, दूसरे के घर के आगे को फॉलो करते हैं, वो सब ग्रीन होता जा रहा है, बिल्कुल लश फॉरेस्ट बना रहे हैं वो अपने शहरों के अंदर, लेकिन इसके बावजूद यहाँ काट रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे लोग जो है वो थोड़े से ना इन इन चीजों से बहुत दूर रह गए। मैंने जिंदगी का बेसिक फलसफा शायरी से पोइट्री से सीखा है, एक जगह पता नहीं क्यों ऐसी ध्यान आ गया, अभी बात निकली है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ मैंने पढ़ी थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो डायरी में लिखे मेरे तस्करे रख छोड़ना या कभी उन पर लगा कर हाशिए रख छोड़ना, ये भी क्या पहले दिखा के मंजिलों के रास्ते फिर दिलों के दरमियाँ कुछ फासले रख छोड़ना, कौन जाने कब लौट आए अजनबी देशों से वो, कौन जाने कब लौट आए अजनबी देशों से वो, पेड़ पे महफूज उनके घोंसले रख छोड़ना, वाह वाह वाह, ये भी क्या पहले दिखा के मंजिलों के रास्ते फिर दिलों के दरमियाँ कुछ फासले रख छोड़ना। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बचपन से बुढ़ा पैदा हुआ यार? नहीं, आए नहीं, होने की निशानी है, वेरी वेरी ओल्ड मैन, वेरी क्रिएटिव। बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये होती है, आप देखिए कि जितने ज्यादा दरख्त होते हैं उतने आप हेल्दी रहते हैं, मगर लोग कटवा रहे हैं। मैंने हैरान रहता हूँ कि लोग कहते हैं जी गेट पे हमारे पत्ते गिरते थे, हमने बड़ा दरख्त कटवा दिया, अच्छा जी, तो ये तो हमने तेल लगा दिया है, हमने लगा दिया इनकी जड़ों से लेके लंबाई तक, कहते हैं आपके बाल आ जाएंगे विद इन मंथ्स। ओके जी, एक और टेलीफोन कॉल है, रक्षा बांध लीजिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। मुझे डॉक्टर उमर राहिल से बात करनी है। जी फरमाइए। मुझे उमर राहिल से ये पूछना है कि मेरे ना बाल खोरा हो गया है। जी जी। और तो उसका मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया है लेकिन मुझे ना कहीं से भी वो फर्क नहीं पड़ रहा, पहले मुझे एक स्पॉट था, अब मुझे दो तीन हो गए हैं। ओके। और उसकी वजह से मेरे बाल भी बहुत ज्यादा जल रहे हैं और बहुत डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, चले मैं बता देती हूँ, अभी बता देते। अच्छा, इन्होंने कहा इनको बाल खोरा हो गया है और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अच्छा, जब तक वो डॉक्टरों के दिखाएंगी, ट्रीटमेंट करवा भी रही हैं, अरहर की दाल को पीस के जो है आपने उसके जैसे रफ करना है स्किन को, उसके ऊपर अरहर की दाल का पेस्ट लगाना है, दिन में दो बार लगाना है। सेकेंड डे जो है जैसे आपने दिन में लगाया, उसके बाद आप रात को लगाएंगे, पूरी रात लगा रहेगा, उसके बाद सुबह आपने उसको हटाना है, थोड़ा सा अंडे का तेल असली घी में मिला के लगाना है और 10 मिनट की धूप देनी है। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर जो है ना वो बाल दोबारा ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, ये गारंटेड, आज जो हम आपको बता रहे हैं गारंटेड आपके बाल लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, स्याह भी हो जाएंगे। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपके बाल सफेद भी हो रहे हैं तो वो सफेदी खत्म हो जाएगी और वो स्याही की तरफ चले जाएंगे, और जितना चाहेंगे उतना लंबे होंगे। ये कि सर के सर के बालों से लेकर मेरे को भी दे देना, लोग कहते हैं एक हफ्ते में नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं निकलेंगे, एक हफ्ते, देखिए ये तमाम टाइम टेकिंग चीजें हैं, तकरीबन 3 माह में।
लेकिन जब हमारे बाल गिरना कम होते हैं तो ये अच्छा साइन होता है कि आप नए बाल उगेंगे। हमारे बाल अब कम गिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाल गिर रहे हैं तो इंसान को परेशान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग एक सवाल भी करते हैं जी, वो कहते हैं हमें काले नहीं हमें गोल्डन बाल चाहिए। मुझे काले बाल या गोल्डन नहीं चाहिए, गोल्डन बालों वाली चाहिए। छोटे मोटे बातें तो मैं करता ही नहीं, बड़ी बड़ी बात ऐसा बाल लेके मैं क्या करूँगा। अच्छा डाल गोल्डन बाल वाली, फिर गोल्डन बाल वाली होगी तो फिर क्या। हाँ बोटे, मुझे पूछना था जैसे अगर किसी के ब्राउन बाल हैं तो वो भी ब्लैक हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे ब्लैक। तुम बिल्कुल फिकर नहीं करो, और जिसके बारे में पूछ रही हो ना उसके बारे में नो बिल्कुल नहीं होंगे। ओके डन डन डन। बेटा ये बालों का कुदरती कलर चेंज नहीं कर रहा, ये कोई डाई नहीं है, ये डाई नहीं है आपके बालों का, ये आपका जो मेलानिन बालों का खत्म हो जाता है। देख लीजिएगा बरगद का वो दरख्त लीजिएगा जिसमें कोई जिन ना हो, क्योंकि अगर इस तेल से जिन ट्रांसफर हो गया तो फिर आज के बाद ये बच्चियां कभी चैन से नहीं रहेंगी। अब दोनों के लग चुका है, लंबे लंबे बालों में झूले झूले। क्या नाम है आपका? सिब्रा। सिद्रा। हाँ सिद्रा, सिब्रा, सिब्रा। अच्छा जब कोई ये पूछता ना क्या नाम है आपका, आप नाम बता, तुम क्या कर लोगे अगर मेरा नाम कुछ भी बता दे। अगर वो पूछता क्या हाल है, हाँ यार ठीक हूँ, तो क्या मतलब इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है क्या हाल है। अब मैं अगर उसको सही बताऊँ कि ये हाल है तो वो सुनेगा नहीं, तो लामहाल आपको झूठी बोला बस यार ठीक है सब कुछ। यूजली ऐसे ही कहते हैं। तो जी एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद जाएगा कहीं सी प्यार की बात करते हैं, करें ना थोड़ा सा गाना वाना होना चाहिए ना, तो शोर वोर तो मचाओ तुम लोग। ये जो मोहब्बत होती है बड़ी कमबख्त चीज होती है ना। आय हाय किसने कहा आया है, उस सदर आय हाय, आय हाय, आय हाय किसने आया है बोला है। तुम छोटी सी अभी हो, आय हाय तुमने आय हाय कहा, तुम्हारी अम्मा ने कहा हाय हाय क्या हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। My daughter is in love. That is really bad. So, हाँ मुझे मालूम है, मुझे नहीं कहना। It's okay. No worry बेटा, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। अरे नहीं नहीं कोई नहीं, मैं नहीं बता रहा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। You know ये तो सारी चीज़ें होती हैं। You know आपको कोई एक मोटर बाइक पर जाता हुआ एक लड़का बहुत अच्छा लगेगा कभी, हाँ हाँ बिल्कुल, वो खड़ा होगा कोने पर, और वो याद रखना सिर्फ शादी से पहले ही खड़े होते हैं, शादी के बाद वो कभी खड़े नहीं होते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हाँ शादी के बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि तुम हमेशा खड़ी रहो। Anyways, ladies and gentlemen, but प्यार में जब होता है तो जब शुरू शुरू में प्यार हो रहा होता है तो ऐसे ही कुछ होता है, इसी तरह से रात बात को जाग रहे होते हैं आप। आजकल चूंकि मोबाइल्स हैं और उसमें पैकेजेस हैं तो फायदा होता है, SMS पे लगे हैं, WhatsApp पे लगे हैं, और मुसलसल बात हो रही है, पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही होती हैं, कुछ याद नहीं होता कौन सी बातें हो रही हैं, तुमने चांद देखा पता नहीं क्या, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ टॉक्स हैपन। लेकिन हैं नहीं लड़ाई वड़ाई भी नहीं, और लड़ाई भी तो बड़े प्यार की लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई तो शादी के बाद होती है, अजाने हो जाती है, बंदा मुसलसल मना रहा होता। शादी के बाद होती है लड़ाइयां, ये वाली कौन सी लड़ाई होती है कि ये तो कोई लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो होती है जब बेचारा वो बैठे मान जाओ। Thank you.
रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा अभी सीने में क्यों झलकार हुई, रात गली एक जबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर तुम्हें देख के देखा है जब उन्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर तुम्हें देख के देखा है जब उन्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रात गली एक ख्वाब में आई और गले का, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख में से चार हुई। चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा जमीन पर सीने में क्यों झलकार हुई, रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख में से चार हुई, रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अच्छा ये गाना मैंने सिर्फ आप लोगों की वजह से गाया, बिकॉज ऑनेस्टली मेरी नाक मेरा सीना बहुत ज़्यादा क्लॉक्ड है, आई एम रनिंग विद फीवर, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आप लोगों ने आज मेरा साथ दिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हकीम साहब क्या सुनाते थे बताएं, उनको कौन सा गाना अच्छा लगता था?
गाने सब अच्छे लगते थे, गाते नहीं थे। मतलब कौन सा आपको देख के क्या ख्याल आता था उनको? बहुत गाते कुछ और सुना आपको देख के कभी वो कभी ये तो नहीं गुनगुनाते थे, फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजार ये गाते होंगे रानी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है यही वाला गाना था। मैं तो नहीं वैसे honestly जी कौन सा उनको आपको क्या या आपको देख के उसमें गाने मैंने बहुत गाते थे बड़े शौक दो शर्मीले क्लासिक कभी जिंदगी में उन्हें गाना गाना नहीं आया। अच्छा अच्छा गाने भी नसर में गाते नसर में गाते थे तो आपको देख के क्या पढ़ा करते थे? बहुत पढ़ते थे लेकिन कहीं आपको देख के ये तो नहीं कहते लब पे आती है दुआ आपको कितने बहुत सारे लोगों ने हम दोनों तो हम तो बहुत पसंद करते हैं बहुत सारे लोगों ने पसंद किया लेकिन उन लोगों ने पसंद किया जिनको मैं पसंद नहीं करती। तुम्हारे मतलब है हम दोनों को तुम पसंद नहीं करते? नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अच्छा, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। ये खवातीन के साथ मसला क्या मेरी इज्जत क्यों करती है? कोई एक तो मिले जो नहीं करे नहीं चाहिए इज्जत नहीं चाहिए ये बेइज्जत बेइज्जत करो एक तो मिले जो कम से कम बेइज्जती कर सके यार जिसको देखो आपकी वो बहुत इज्जत मैं तुम्हारे घर में पैदा हुआ कौन मैं इज्जत कर करके पागल हो गया इज्जत करवा रहा हूँ नहीं कर इज्जत इज्जत तो आपने भी अभी बताना था लाइव शो में क्या पसंद करते हैं आप बातें बता देते हैं आज ही बता रहा था अभी कैसे बताऊँ आपको अरे मैं आपको वैसे पसंद नहीं करता वैसे पसंद करता हूँ यार क्या समझ रही है क्या करें बात को हमारे पास काजी भी है यहाँ पे कौन काजी अरे रानी काजी काजी रानी ये वाली शादी 9 to 11 लाइव शो 9 to 11 और फिर उसके बाद समापन ब्रेक दुनिया की सबसे मुख्तसर शादी सुबह 9 बजे 11 बजे 11 बजकर 1 मिनट तलाक 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 खत्म। अच्छा तो कितनों ने पसंद किया आपको? बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है तो उनमें अभी दुनिया में कोई है उनमें हम अपना बयान चेंज करें आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं इनका क्या है इसको तो जो पसंद करता है उसको स्वयं हो जाता है पता चले यही लोग मेरे कुल में आ रहे हैं अंदाजा लगा ले किस एज के लोग पसंद करते होंगे बताने का मेरा मकसद ये है इट्स ओके बताइए जी किसने पसंद किया आपको या आपने किसी को पसंद किया? हाँ जो जिसने पसंद किया वो सब मेरे साथ ओए आसपास ही हैं। हाँ ये बस नहीं क्या मतलब अब सब कुछ नहीं बताऊंगी ये तो गलत बात है यार हम सब के बारे में आप नहीं शादी हो गई बच्चे हो गए वही था ना इन्होंने ही पसंद किया। अच्छा 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 फिर उन्होंने भी पसंद किया आपको? फिर उन्होंने भी क्या मतलब अरे उन्होंने पसंद किया होगा तो शादी हुई होगी ओके ओके अच्छा जबरदस्त डॉक्टर साहब जी सर हम नया साइडी बता रहे हैं कितने बयान आते हैं हां कितने कौन सा बयान सुनेंगी आप बताएं ना खुरम। हां खुरम बता यार एवरीवन वांट्स टू नो कि तुम शादी कब कर हर घंटे की एक नहीं हर घंटे की एक नहीं बस सर अब क्या बताऊं कि क्या क्या से बनाऊं हमसे पूछ लिया आप तो बताएं एक नौ गिराने वाली औरत जब पूछेंगे कुछ तो बताओ 10 में से 9 गिरा दिया आपने और अब पूछे आप मेरे बताने का मकसद था उनकी एज का अंदाजा लगाए गुजर जाने वाली पसंद किया उसके बाद कुछ कभी किसी 31-32 साल के हैंडसम से आदमी ने पसंद किया पसंद जरूर क्या होगा लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं आज तक खुर्रम आज बोल दो एक सेकंड तो क्या लाउड स्पीकर पे आके ऐलान करें आपको बता चुके हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं शामियाना लगा के
बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। ये खाली कुछ काम कर ले। मैं तो काम ही कर रहा था भाई, पर हुआ ही नहीं भाई। मैंने तो कुछ वो ही कर ले था। मैंने पूरी कोशिश की थी। अजीब उदासी की म्यूजिक चल रहे हैं, नौ लोग जा चुके हैं, फैलान आ रहे हैं, मायूसी छा चुकी है। डॉक्टर ने राजी ली, तो बीमार सी हो गई। तो आइए जी प्लीज, आइए साहिल की आवाज सुने। अल्लाह जिंदा रखे टोटकों को। आइए बहुत ठीक है। आजी आजी बिल्कुल आजा। अब आप आई आई ये आपकी बारी है। अच्छा आई आई कुछ बनाए आप कुछ बना भी लें। ये मेरा कप मेरी इज्जत है, इसको मत छोड़ना। जुल्म कप उठा के उधर दे दिया यार को खुदा का। पानी दूं? पानी हाँ। अच्छा आप सब लोगों को मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, सारे लोग आते हैं सब एक पे कर देते हैं, एक पे कम होता है, छह पे ज्यादा होता है। बार बार मुझे करना पड़ता है। तो आप तो रोज शो करते हैं, आपको पता होगा कौन किस पे ज्यादा होता है। मैं यहीं सोता हूं। मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है सही है। अच्छा हम वजन कम करने की एक यखनी बताएंगे, वो बहुत अच्छी यखनी है और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। आप इसको बना के पिए, वजन कम करने के लिए बहुत सारी ड्रिंक होती है, बहुत सारे खाने होते हैं, लेकिन आप इस यखनी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी यखनी है। और अगर कोई लबे दम हो जिसका दम ना निकल रहा हो तो उसको ये यखनी जरूर पिए। रानी वादी ने बड़े वसूख से कहा, ये खोलती हुई यखनी बना दो। नहीं ठंडा करके, गरम या फिर ठंडा करके खोलती हुई नहीं, उन्होंने कहा जिसका दम ना निकल रहा। अच्छा उनके दम निकलने के लिए ये आपकी रेसिपी थी ये वेरी नहीं बताई। एक कप पानी मैंने इसके अंदर रख दिया है, इस बॉल में, और इसको गर्म करने के लिए रख दिया। ये मेरे पास बरगद की डाढ़ी है, उसको मैं लूंगी तकरीबन, आप इसमें 25 ग्राम्स डाल दें और इसको पकाएंगे। अच्छा इससे वजन कम हो जाता है? वजन कम होगा इसके अंदर, इसको पका लेंगे हम, और पका जब ये बॉयल हो जाएगा तकरीबन, आप इसमें 2 कप पानी लेंगे तो उसको 1 कप पानी करना है, इतना पकाना है। पकाने के बाद आप इस दौरान कलौंजी 1 टीस्पून वो शामिल कर देंगे। कलौंजी आपके वजन को कम करने में बहुत मददगार साबित होती है। और इसके अलावा मैंने इसमें शामिल करना है नींबू, लेमन तकरीबन इसमें हम 6 से 8 इसके अपना बस हो गया, संभालिएगा आपको हो जाएगा। कितना करना? 6 से 8 इसके अंदर ड्रॉप्स हम शामिल कर देंगे, उसको पकाएंगे। ये पक जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर मैंने इसके अंदर शामिल करना है ये काला नमक, बिल्कुल चुटकी भर, क्योंकि इसको टेस्ट इसके अंदर आएगा, वरना आप इस यखनी को इसी तरह पियेंगे तो यखनी आपसे पी नहीं जाएगी। काला नमक बिल्कुल चुटकी भर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी। इसका सारा का सारा, इसका अर्क होगा, इसका अरोमा होगा बरगद की दाढ़ी का, वो पानी के अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर जाएगा। फिर हम इसे छानेंगे, इसको वैसे ही नहीं पीना क्योंकि आपसे पिया नहीं जाएगा, इसका रेशा आपके गले में अटकेगा, मुंह में आएगा, तो फिर आपको वो इसका जायका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। आपने इस पानी को बनाकर तकरीबन आप 1 लीटर बना के रख दें, मैं तो इसको अभी आपको 2 कप का बता रही हूँ, 1 लीटर आप बना के रख देंगे, आप पूरा दिन आपको चलेगा इस पानी को, इस यखनी को। आपको कोई ऐसी कैद नहीं है कि आपने नाश्ते से पहले या खाने से पहले या दोपहर में शाम को, ठंडा भी पी सकते हैं, नीम गर्म पी सकते हैं, ज़्यादा गर्म आपने नहीं पीना, ठंडा करके भी पिए आप इसे, इस यखनी को। फिर हम इसे छान लेंगे, छान लेंगे। मेरे पास भी कपड़ा रखा हुआ था, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप इसे कपड़े में या छन्नी में आप इसे मुझे स्ट्रेनर ला के दीजिएगा, कपड़ा दीजिए ला के, कोई भी इसको छान देती हूँ। तब तक ये पक रहा है, इसको बनाने के लिए रख देते हैं और अच्छी तरह इतना पकाना है कि 2 कप पानी आपका हो तो वो 1 कप यहाँ इस छान देते हैं। इससे हो जाएगा? हाँ आई थिंक बिगड़ना जाए, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया, हाँ हो गया। दो कपड़ा इसे छान लेंगे, अच्छी तरह से छान लिया कपड़ा। अरे छोड़ दीजिए आप, मैं हूँ ना। आ गया, इसको छान लिया। और इसमें आपको और मजीद जायका चाहिए तो बिल्कुल 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर शहद शामिल करना है, 1/2 टीस्पून शहद। अच्छा बहुत अच्छा अरोमा है, लिटरली बहुत अच्छा अरोमा निकलता है इसका। और इसको मिक्स करके 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं शहद का इस्तेमाल, सिर्फ और सिर्फ 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। इसको आपने फल करना है, मिलाना है, और लास्ट में इसमें आप डालेंगे लहसुन का पाउडर।
लहसुन का पाउडर वजन कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी आप नीम गर्म पानी में लहसुन का पाउडर डालकर इसके अंदर आपने चंद कतरे लेमन जूस के डालें और आप इसको पिए तो आपका वजन वैसे ही कम होगा, लेकिन वो आपको निहार मुंह पीना पड़ता है। और ये वाली यखनी है, ये यखनी आप जब भी पी सकते हैं, जब आपका दिल करे बिल्कुल कम आपने लहसुन का पाउडर मिक्स करना है। और आपकी ये यखनी तैयार हो चुकी है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, इसका जायका भी अच्छा होता है, आप बहुत आसानी से इसे पी सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बल्कि आप इसे कॉलेज जाती हैं लड़कियां जी, कभी बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल ग्लास ना, ऐसी पी लीजिए, ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। नहीं ये मुझे दे रही थी, मुझे जरूरत नहीं है। नहीं आपको दे रही थी, डर गए नौ के बाद डर गए। ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, इसको आसानी से पिया जा सकता है, आप ट्राई करवा सकते हैं। नहीं नहीं आप ही पिए, लाओ फरा दे दो। आज बहुत बहुत ही अच्छा इसका जायका होता है, ये यखनी का टेस्ट इसके अंदर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत मजे का है ये। आप हाथ मत लगाइएगा। नहीं नहीं ये बहुत ही मजे का है, आप ऑडियंस को ला सकते हैं, टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। दो एक्सपर्ट गिर गए। लेकिन ये आपने बरगद की छाल की यखनी जो है वो हमने बना के आपको दिखाई है। इसमें आपने दो कप पानी डाला, जब पानी एक कप रह जाए उसके अंदर 25 ग्राम जो है बरगद की छाल डाली है, कलौंजी उसके अंदर ऐड की है, उसके साथ साथ लहसुन का पाउडर डाला है और 8 से 9 कतरे लेमन जूस डाला है। अब ये आपने कितने देर पे ना, ये आप दिन में 3 ग्लास पिए इसको, और काला नमक हसबे जायका आपने डाल दिया। जिस चीज का शेप होता है, जैसे ये बरगद की छाल पतली है, मुझे प्लीज बताइएगा टेस्ट कैसा होगा। घास की फली पतली है, अच्छा टेस्ट है, यू लाइक इट। एनीवन एल्स, किसी और को पीना होगा, एनीवन एल्स, हीरा खाने से पतला होगा, जिस शेप में होता है उस शेप का इंसान होगा। आपको तो जरूरत ही नहीं है, आप क्या पी रही है, आप पानी की जगह इस आप खाने यखनी का आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की जगह, क्योंकि पानी ही है, आप इसको पिए कसरत के साथ पिए, कोई नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही हैं। अच्छा मुझे बात बताएं इसके साथ, ठीक है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे बताएं इसके साथ क्या डाइट बहुत जरूरी है। डाइट तो बहुत जरूरी है, डाइट आपकी 70% आपके वेट को की है, इसके अलावा दूसरी जो रेमेडीज होती हैं जो हम बताते हैं वो आपकी 30% होती है। तो डाइट तो जरूरी है, आप ये नहीं पराठे कबाब के साथ फिर आप ये वाली यखनी पी रहे हैं तो आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा। और वही डाइट फूड लें, चाहे दिन में आप 6 बार लें लेकिन कम कम पोर्शन में आप खाना खाएं, और ये ड्रिंक पिए पानी की जगह ये वाला आप यखनी पिए तो आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। और हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं आप एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन करें, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स आप ले सकते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। और ये यखनी पिए, डाइट का ख्याल रखें, आपका वेट बहुत तेजी के साथ आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा और एक और बात है कि जब भी आप पानी पिए तो सादा पानी पिए, लूक वार्म पिए। अगर आप सादा पानी पिएंगे, लूक वार्म पिएंगे, नीम गर्म पिएंगे तो आपका वेट उससे भी रिड्यूस होता है, रिड्यूस हो जाता है, डेफिनेटली रिड्यूस होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इन तमाम चीजों के साथ एक चीज बहुत जरूरी है कि आपकी डाइट बहुत बैलेंस्ड हो। आपकी डाइट अगर बैलेंस नहीं होगी आप वेट लूज नहीं करेंगे, आपकी डाइट को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप में न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे पूरे जाने चाहिए ताकि आप किसी मैल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाएं। तो मेक श्योर कि आपकी डाइट पूरी हो। और जब खाने का जिक्र आता है तो हम लोग 3 खाने नॉर्मली खाते हैं, खानों को डिवाइड कर दें, 6 बार कर दें, पोर्शन छोटे कर दें, आप यकीन जानिए आपका वेट लूज हो जाएगा, बड़े आराम से वेट लूज होगा जी। अच्छा अब मैंने आपको बताना है कि मोशन हो जाते हैं, यही बात डायरिया हो जाता है, मोशन हो जाते हैं, उसके लिए फौरी क्या इलाज किया जाए, इसके लिए फौरी इलाज के लिए मेरे पास है, ये मैं इसको खाली करूँगी, पानी लूंगी, मुझे पानी की जरूरत होगी, यहाँ पर पानी मुझे ला दीजिए, पानी पानी बिल्कुल भी पानी नहीं खत्म हो गया, पानी लिया जाता है। कट कर दें, जैसे वापस आएंगे तो फिर फौरन ले आओ, अभी कट हो गया ना, लाओ ना, कट हो गया बस 10 more minutes एंड वी आर डन। पानी नहीं है बिल्कुल, हम ब्रेक ले सकते हैं इस पे, अरसलान अभी ले लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ, आप लोग तालियां बजाएंगे, 1 2 3 तालियां बजाइए। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपको बताएंगे कि डॉक्टर खुर्रम किस तरह से आपके लिप्स को पिंक कर सकते हैं, आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ,
जो लड़कियां यूं किचन में करती है मसाला बनाते हुए वो सब क्लियर होगा। देखिए आपने सबसे पहले लिया ये 3 क्वांटिटी में 20 वैक्स, ठीक है 20 वैक्स, ओके। इसके साथ डालेंगे जी ये मक्खन आ गया हमारा, ये तकरीबन आप मार्जरीन भी ले सकते हैं हाफ, पूरे टिकिया का हाफ ले लेंगे। इसके साथ ऐड करेंगे जी ये आ गया थोड़ा सा धनिया का तेल, ओके धनिया का। आप लोग हाथ ऊपर उठाएं और तालियां बजाएं, बताइए किसको चाहिए ये, किसी को नहीं, ये धनिया का तेल, ओके। अच्छा इसके साथ ऐड करेंगे जी ये आ गया नारियल का तेल, ओके ठीक है नारियल का तेल, बड़ी ज़बरदस्त सी क्रीम बनेगी। और से होगा ये कि आपकी जितनी ड्राइनेस आती है, होंठ सूखे रहते हैं, आप जबान पे उसको मैनेज करते हैं, कुछ भी इशू नहीं होगा। ये आ गई गुलाब की पत्तियाँ, ड्राइड गुलाब की पत्तियाँ, थोड़ा सा पेपरमिंट ऑयल, और एंड में हम डालेंगे ये थोड़ा सा लेमन जूस। Okay. तो बंद कर दें, चूल्हा बंद कर दें? नहीं नहीं, चूल्हा जरा अच्छा है, जरा और मेल्ट होना है मक्खन को भी ना, मक्खन को मेल्ट होना, और जो उसके 20 वैक्स है हाँ। तो जमने लगेगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा जी बिल्कुल। और ये आ गया लेमन जूस, फौरन वो सख्त बन जाएगा ना अगर उसको उठा, ये थोड़ा सा लेमन जूस बस बस, ये बिल्कुल तैयार हो गई क्रीम। अच्छा इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ी सी, अगर आप इसको रख दें फ्रिज में अच्छी तरह से, पूरी क्रीम बन जाएगी। जब आप इसको लगाने लगे, इसको थोड़ा हीट अप करके इसके अंदर मलाई ऐड करें तो बहुत ही अच्छा लिप्स का इफेक्ट आएगा, और पाउटी लिप्स भी होंगे अराउंड द लिप्स भी, वो मतलब लिप्स पे भी लगाना है, अराउंड द लिप्स, अराउंड द लिप्स भी लगाना है, ये हिस्सा जो काला हो जाता है हम लोग ले जाएंगे, ठीक है ये बिल्कुल ले जाएंगे। फ्रिज के बगैर भी रह सकती है, फ्रिज के बगैर पूरी जम जाएगी, बिल्कुल ये जम जाएगी उसकी तरह। इसमें होता ही है कि थ्रेडिंग के बाद जो आपका हिस्सा काला हो रहा होता है उसको क्लियर करता है, वो भी रही है पिंक पिंक ना जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो जाएंगे बिल्कुल अच्छा। और मर्दों का भी जो हिस्सा होता है दाढ़ी का, बहुत सारे लोग ब्यूटी कलोन लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा आफ्टर शेव लगा लेते हैं, तो वो अगर उसको लगाएं तो स्किन का हिस्सा क्लियर रहेगा, यूनिटोन हो जाएगा। इसको लगाएंगे तो खुल रहा हूँ जैसे गुलाब हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिपस्टिक की जरूरत नहीं होगी, नहीं बिल्कुल नेचुरल। मैं सही हूँ भाई, भेज दिया हमने है ना, बिक गया बिक गया ये बिक गया सारा। देखिए मैं बात बताता हूँ, खुर्रम तो बहुत स्मार्ट बहुत हैंडसम आदमी है, मैं तो ओ ओ इनकी सारी इनकी सारी तालियां आ जाए इनकी सारी पे। मैं नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मुझसे नादिया ने पूछा, आई वाज अ गेस्ट एट नादिया खान शो, तो उन्होंने मुझसे पूछा कभी आपने जिंदगी में मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया, एंड आई स्वेयर मैंने कभी जिंदगी में नहीं करवाया, आई डोंट डू मेकअप, आई डोंट डू मैनिक्योर्स, आई डोंट डू पेडिक्योर्स, मुझे अजीब थोड़ा सा, और मैं ये नहीं कह रहा कि सही नहीं है, बहुत अच्छी बात है मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना, आई डोंट थिंक कि मैं करवा सकता हूँ, मुझमें उतनी पेशेंस नहीं है कि बैठो, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं पता है बहुत सारे लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मैं मेकअप क्यों नहीं करता, आई जस्ट डोंट लाइक इट, और ती लाइट्स में आई जस्ट डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मैं आई एम, मैं अपने क्यूटिकल्स ये आप देख लें प्योर मर्दों के हाथ हैं, चबाए हुए प्योर प्योर प्योर। अच्छा मुझे आई डोंट नो समहाउ आई एम ऑल राइट विद इट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एजिंग आ जाती है, आप बोटॉक्सेस लगवाएं एंड ऑल दैट, I am all right with aging also. It's fine. It's time. नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, अब से चंद सालों के बाद, चंद सालों के बाद नए बच्चों का दौर होगा, नए लोग आएंगे और उनको हमारी जगह संभालनी होंगी, हर सूरत के अंदर संभालनी होंगी, सारा वक्त हम ये काम नहीं कर सकते, उनको आके और आपको जगह देनी पड़ेगी, तो जितना ग्रेशियसली जितना ओपनली आप उनको जगह देंगे, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी जगह भी कोई आएगा, तो पैदा ही बुजुर्ग हुए थे अब पीछे ही पड़ गए। सर इसमें डाल देंगे, अब ये हो गया, अब ये बिल्कुल ठंडा होके अभी किसी को लगाते भी है बिल्कुल। कौन लगवाएगा, आप लगवाएंगी, आ जाइए जो जो लगवाना चाहता है, प्लीज यहाँ पर आ जाइए, आ जाइए सोफे पे आ जाइए, जल्दी जल्दी फॉरन फॉरन, कोई 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 बोलो, मैं शो के बाद लगवाऊंगी, आ जाइए हम तो ले जाएंगे, आप तो लेके जाएंगे, आप तो लेके जाएंगे, अच्छा और आ जाइए ठीक है, आ जाए आ जाए, बिल्कुल ये बड़ा सा बस भी ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल क्रीम ऐड करेंगे, ठंडा थोड़ा ठंडा तो होने दो, नहीं ठंडा उसको, कुछ क्रीम, कौन सी क्रीम है ये, वहां पे अच्छा वहां पे, आइए आइए प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए, आ जाइए आ जाइए, एनीवन एल्स, कोई और है, फिर शिकायत मत कीजिएगा बाद में, कोई और है, एनीवन एल्स, कोई और आना चाहता है, नहीं ओके जी, दो ही लोग हैं, दो ही लोग, हाँ जी बाकी दो हम, हाँ दो आपको भी ठीक है, लगा दीजिए लगा दीजिए, आपका नाम क्या है जी, साथ लीजिए
सलमा, आपका नाम क्या है? आप बैठ जाइए सलमा। अच्छा, कोई इफेक्ट, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अच्छा देखिए, इसके अंदर साइड में डालूंगा लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ये बड़ा जबरदस्त सा एक इफेक्ट आ गया। इसके अंदर ऐड करेंगे, इसी के अंदर सॉल्यूशन अभी लगाएंगे नहीं, देखिए इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, ये इसके अंदर विटामिन सी और टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर इसमें डाल दें। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि इससे आपके जरा लिप्स खड़े खड़े भी नजर आएंगे। अच्छा। ठीक, बहुत जल्दी, बिल्कुल ये बैठे बैठे जो होंठ हो रहे थे बड़े पाउटी और बड़े, एक उसके अंदर जान आया, वर्ड था खड़े खड़े। हाँ क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही, मेरे साथ आ जाए। नहीं प्लीज, आप मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, और जरूरी है, मैं इन लोगों को भी चाहता हूँ कि ये लोग भी लगाएं आज। आ जाए, नहीं नहीं नहीं, आप लोग लगवाएंगे, लगाएंगे नहीं, लगवाएंगे, हाँ हम लगाएंगे ना मेकअप उतार के जी, प्लीज नहीं, अभी 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 ओके, अभी अभी क्लिनिक में ऐसा बुरा मुंह लेके जाएंगे हम लोग, अच्छा हो जाएगा, मैं नहीं लगाऊंगा भाई, आप लगाएंगे, खुद हम लगाएंगे, डॉक्टर साहब हैं, हाँ डॉक्टर साहब लगाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा हीटर, कोई परेशानी की बात नहीं, ये देखिए, वाओ। अच्छा, ये आप ऊपर लगा रहे हैं? पूरा ऊपर लगा के फिर इससे लगाएंगे, ठीक है, ओके। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा जो थोड़ा डार्क हो रहा, अच्छा ये जो पूरा हिस्सा होता है जो डार्क हो जाता है उस पे लगाया जा रहा है, कोई जरूरत नहीं, इसको खुद रिमूव कर देंगे। मुझे किचन में भी काम करते हुए जब पसीना आता है तो ऐसे ऐसे करते। अच्छा बात ये कि ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है, ये जरा क्लोज कीजिएगा मेरे, या इनको मैं सलमा को दिखा देता हूँ, सलमा सामने देखिएगा, ऐसे देखिए सामने कैमरे के अंदर, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पोर्शन जो होता है खासतौर पर, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, और जब ये डार्क हो जाता है तो फिर बाकी चीज़ें बुरी लगती है, फिर आप अपने डिफरेंट फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं उसको इवन करने के लिए, उसको इवन टोन देने के लिए। जब लगाएंगे थोड़ा सही। अच्छा डॉक्टर साहब कितने दिन लगते हैं ये? जैसा एक हफ्ते में रिजल्ट आना शुरू, एक हफ्ते के अंदर, बिल्कुल सही कह रही हैं, जब आप लगाएंगी थोड़ा सा इसे गर्म कीजिए वरना ये मक्खन की तरह बन जाएगा, ठीक है, इसको लगा के मैं इसको मशीन से भी करूँगा, थोड़ा सा और गर्म है, मगर गर्म है कोई अच्छी बात है, वो गर्म इतना होना चाहिए, ओके। ये ठंडा होके तो क्रीम की शक्ल में, बिल्कुल क्रीम की शक्ल में बन जाएगा, वैसे थोड़ा हम गर्म ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिप्स पाउटी होंगे तो फेस पे फिलर लुक आ जाएगा, बिल्कुल फिलर का, बिल्कुल हमने जो इंजेक्शन डाले हैं वही हैं इसके अंदर, ठीक है। आपका थोड़ी मशीन भी करेंगे, ऑलराइट जी जी, अब मैडम आइए, आपका हो गया, अभी थोड़ा मशीन करेंगे, अब हम जी बिल्कुल थोड़ा सलमा को लगाने जा रहे हैं जी, लेट्स सी। देखिए हिस्सा भी थोड़ा डार्क हो रहा है, डार्क हो रहा है, बिल्कुल डार्क हो रहा है, बिल्कुल डार्क हो रहा है, बल्कि ये पोर्शन जो है ये भी डार्क हुआ जी जी। If you see, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन दिखाइएगा, ये पोर्शन जो है ये भी बहुत डार्क है, बहुत डार्क जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, बिल्कुल भी आराम नहीं, आराम से बड़ी जल्दी बन गई, इस्तेमाल कर सकते हैं, बना के आप घर में रखें और हर कोई यूज कर सकता है, इवन मर्दों में भी मैंने कहा कि यूज कर सकते हैं। आपको किसी वेडिंग में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और अगर मेन इसको इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, रात को लगा के सोए तो बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा, पूरी रात लगा के सोए और बहुत टाइटनिंग भी होगी, खासतौर पे जो आपकी एक हल्की सी लाइनिंग भी यहाँ आ रही होती है, लाफ लाइन को भी कवर करेगा, बिल्कुल, और जो स्किन थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल ढलक रही होती है थोड़ी सी, उसको भी आप ये करके मैं क्रीम लगा के। अच्छा देखिए, इसके अंदर है तो ये फेस वॉश मैं जो अब लगाने जा रहा हूँ, ठीक, प्याला थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा खुर में जी सर, ठीक है, डन डन डन, थैंक यू। अच्छा जी सर, व्हाट फेस वॉश दिस? जी सर, ये फेस वॉश है, मगर इसके अंदर टी ट्री ऑयल, पेपरमिंट ऑयल और इसके अंदर बहुत सारा जो है वो लैनोलेन है, ठीक है, okay. इसको लगाने से उसके बाद मशीन करेंगे, आप देखिएगा कितनी जल्दी ये क्लीन भी हो जाएगा, जो आपकी डेब्री रहती है, होंठ काले रहते हैं, ये सब मशीन करके क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन चमक जाएंगे फौरन। व्हाट अबाउट दिस, इनको और इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी है, आपका भी थोड़ा सा लगाएंगे इस साइड से, लाइक आंखें बंद रखिएगा। आई थिंक यहाँ किसको लगाना है, यहाँ किसको ट्राई करना है, आई थिंक डॉक्टर साहब को आपसे स्टार्ट, हाँ आज आप लगा के दिखा दें आज सबको ना, पब्लिक को एक दफा आप साइड, अच्छा आइए, कॉटन गरम है थोड़ा सा, ये आज साइड ने सारे बदले ले लिए, नहीं मैंने कोई बात नहीं, अभी अच्छे लगेंगे, अभी अच्छा है ना, अच्छी आपका ट्रीटमेंट नहीं और ज्यादा तो बहुत गलत बात है यार। अच्छा
ठीक है। अच्छा जी जी ये बिल्कुल जाके क्या तुमने अभी आप देखिए कितनी जल्दी ये काला हिस्सा जो डार्क हो जाता है बहुत जल्दी क्लीन होगा क्योंकि आज फर्स्ट ही डे है और हम एक हफ्ता लगातार करेंगे। आप देखें कितनी जल्दी ये स्किन पूरी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। बहुत इसमें इफेक्ट है और पिंक लिप्स भी बहुत एक्चुअली क्लियर हो रही है। अगर आप देखें जरा तो कैमरे को जरा गौर की बहुत अच्छी हो रही है ना। और ये लिप्स भी सारे गुलाबी होना शुरू हो जाएंगे। काला निशान खास तौर पे जाएगा। नाइस नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और लगा रहेगा और पूरी रात लगा के आप सो जाएं बेशक कोई हर्ज नहीं है ठीक है। ये करें और आप पूरे फेस पे लगा के रखें इवन। अच्छा इसको हमने खास तौर पे जो फोकस किया है एक तो आपके जहाँ अराउंड द लिप्स है मोटे ये तो है ही उसके अलावा आपकी जहाँ भी लाइंस आ रही हैं चेहरे पे इवन माथे की लाइन देखें अब इनकी इनकी जो है वो मुझे जो प्रॉब्लम लगती है थोड़ा सा अगर दिखाएं सर थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा आपका जो प्रॉब्लम लग रहा है वो यहाँ पर आपकी लाइफ लाफ लाफ लाइन है ना वो बहुत विजिबल है। ये देखिए ये नहीं अब ब्रेक तो नहीं खत्म हो गया शो ये बहुत बहुत विजिबल है। ये देखिए ये इसके जो जो गड्ढा बन रहा है जो जो डिप्रेशन बन रहा है इसको लिफ्ट करेगा ये इसको लिफ्ट करेगा। इसी तरह चीजें ही ऐसी सारी ये देखिए खासतौर पर हमने इसीलिए कहता है कि आपके पेनिट्रेट थोड़ा ज्यादा डीप सीटेड है आपका ठीक है। और ये इंशाल्लाह करती चली जाएंगी आप भी लेकर भी जाएंगे बिल्कुल सर बिल्कुल। वाह थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा जाइए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम जो कुछ भी आपको बताते हैं याद रखिए कि वो ऑथेंटिक होता है लेकिन मेक श्योर कि आप अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें। आपकी जल्द का मामला हो आपके बालों का मामला हो आपके अंदरूनी ऑर्गन्स का मामला हो मेक श्योर कि आपका कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल हो। और अगर आपके पास डॉक्टर अपना नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं। अगर वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो हमें बताएं ताकि हम उस केस को गवर्नमेंट के सामने प्लीड कर सकें। ये आपका राइट है कि पाकिस्तान में आपको हेल्थ केयर मिले। थोड़ा सा ब्रेक आपको मेरे दरमियान फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ हम खुशी हो कहना।